नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय करेंगे जिसको हम स्मरण शक्ति कहते हैं। अब इसमें हम ये समझेंगे कि स्मरण शक्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसे किस तरीके से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्मरण शक्ति क्या है। स्मरण शक्ति, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज सुबह आपने नाश्ते में क्या लिया था और मैं आपसे पूछूँ कि 3 दिन पहले सुबह नाश्ते में आपने क्या लिया था, तो आज सुबह वाला तो आपको ध्यान होगा पर 3 दिन पहले वाला शायद आपको ना ध्यान हो। तो स्मरण जब हम करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लंबी मेमोरी में चली जाती हैं, जो दीर्घकालीन मेमोरी में चली जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कम समय के लिए हमारे साथ रहती हैं। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम स्मरण शक्ति की बात करते हैं तो ये एक कंप्यूटर के समान है। कंप्यूटर में जिस तरीके से आप कीबोर्ड से और माउस से इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसी तरीके से आप मेमोरी में इंफॉर्मेशन डालते हैं, आप स्मरण करते समय जानकारी डालते हैं और उसको आप कहते हैं एनकोडिंग। फिर आप उस इनकोडेड इन्फॉर्मेशन को कहीं पर जाके सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, संभाल के रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज, जो कि कंप्यूटर में सीपीयू करता है और आदमी में ब्रेन में होता है। इसी तरीके से जब वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और ज़रूरत है तो मैं उसके बारे में बोलूँगी या बताऊँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को वापस निकाल रही हूँ, जिसको हम कहते हैं रिट्राइवल, जैसे कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपके इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो पूरा जो मेमोरी का प्रोसेस है ये एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। हर आदमी की मेमोरी अलग होती है, अलग तरीके से प्रोसेस होती है। अब अगला है जो हम मॉडल समझने जा रहे हैं, जिसको हम एटकिंसन शेरफिन मॉडल कहते हैं। इसमें कहा गया था कि अलग अलग स्टेजेस में इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। वो चंद सेकंड्स के लिए होती है, 1 या 2 सेकंड के लिए होती है, पर उसमें आपको जो भी चीज़ हुई है, जो भी घटना हुई है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिलती है। तो आपके दिमाग में वो एग्जैक्ट पिक्चर सेट होता है। ये मेमोरी 2 तरीके से हो सकती है, आइकॉनिक मेमोरी या इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी वो होती है जो देखकर हम समझते हैं, जिसको हम विजुअल मेमोरी कहते हैं, और इकोइक मेमोरी वो होती है जो हम सुन के समझ सकते हैं, जिसको हम ऑडिटरी मेमोरी कहते हैं। अगला जो है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ जानकारी जो हम लगातार सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं और बार बार रिपीट करके उसका रिहर्सल करते हैं, उसकी वजह से हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन से जानकारी। तो कम समय के लिए जो स्मरण शक्ति होती है उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन चंक्स में रहती है। तो यहाँ पर हम मिलर्स मैजिक नंबर की बात करते हैं, जिसमें 7 ± 2 का रूल दिया गया है, और उस रूल के अनुसार ये है कि 5 से लेकर 9 डिजिट तक की कोई भी चीज़ है तो वो आपको याद रहेगी। अगर मैं बोलूँ कि 21 डिजिट की कोई चीज़ याद रखनी है तो आपको वो याद नहीं रहेगी, आपको उसको 7 के अलग अलग खंडों में तोड़ना पड़ेगा या 5 के खंडों में तोड़ना पड़ेगा। तो जो लर्निंग बाय चंक्स, टुकड़ों में याद करने की चीज़ जो हम बोलते हैं, वो भी यहाँ के मिलर्स नंबर से ही आती है। अगला है, इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम एक और एलिमेंट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। अब ये वर्किंग मेमोरी क्या होता है? वर्किंग मेमोरी का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब मेंटल प्रोसेसेस काम करते हैं तो वो एक मेंटल स्क्रैच पैड की तरह होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है, और वो होती है आपकी वर्किंग मेमोरी, जिसको आप कोई भी तकलीफ या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम में ले सकते हैं, आप सोचने में काम में ले सकते हैं। तो थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं। आखिर जो हम समझेंगे वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो दीर्घकालीन स्मरण शक्ति है। उसमें हमें सिर्फ वही चीज़ें ध्यान रहती हैं जो हम समझ के करते हैं, जो हमने पढ़ा है, समझा है, सिर्फ वो ही हमें याद रहेगा और उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। अब अगर मैंने कहा कि मेरे दोस्त का नाम जिम है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो क्या होगा? मुझे ये नाम कैसे याद रह सकता है? मुझे किम याद रह सकता है, टिम याद रह सकता है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका नाम बॉब था, तो मुझे उसके राइमिंग वर्ड्स याद रह सकते हैं। तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हुआ? मैंने बोला कि मुझे एक एंग्जाइटी टेस्ट करना है, तो मुझे क्योंकि उसका मीनिंग पता है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ एग्जाम में कि मैंने नर्वसनेस का टेस्ट किया। पर मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि एंग्जाइटी टेंट, क्योंकि इसका कोई मतलब
मतलब ही नहीं निकल रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिर्फ वही चीज़ जाती है जिसका मतलब निकल सकता है। अब अगर हम ये एक वेयर हाउस की बात करें तो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह एक गोदाम है। गोदाम क्या है? एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है जिसमें नई इन्फॉर्मेशन आती है और पुरानी धीरे धीरे जाती रहती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से नई इन्फॉर्मेशन आई, पुरानी इन्फॉर्मेशन हटी और वो एक एक बक्सा अपनी अपनी जगह पर आके शॉर्ट टर्म मेमोरी का सेट होता जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। पर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी गेट पे ही फिल्टर हो जाती है किस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होना है और किसको नहीं होना है, वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है। इसी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिहर्स करते हैं। अब रिहर्स कैसे करते हैं? एक तो मैं बार 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 बोलूँ ABCD तो मुझे ABCD याद हो जाएगा, तो वो तो हो गया रोट लर्निंग या रोट रिहर्सल। दूसरा होता है मेंटेनेंस रिहर्सल, कि मैं किसी चीज़ को बार बार शांति से सुनती रहूँ तो जब मैं उसको बहुत बार सुनूंगी तो वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट हो जाएगी कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। अगर ये 10-15 बार सुना है तो आदमी सोचेगा, उसको याद हो जाएगा कि हमें सच बोलना चाहिए। तो ये हो गया मेंटेनेंस रिहर्सल। अगला है इलैबोरेटिव रिहर्सल, जिसमें आप चीज़ का मीनिंग समझते हो और जब आपको उसका मतलब समझ में आ जाता है तो वो दिमाग में आपके सेट हो जाती है। तो उसका एक इलैबोरेटिव एस्पेक्ट हो गया, सिर्फ आपको एग्जैक्ट शब्द याद रहे वो ज़रूरी नहीं है, पर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, उसका मीनिंग पता है, तो उसको हम इलैबोरेटिव रिहर्सल कहते हैं। इसी की तरह से एक परमानेंस होता है कि कोई चीज़ आपके दिमाग में परमानेंट हो गई है क्या। तो पेनफील्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कहा था कि मेमोरी एक तरीके से एक वीडियो की, एक फिल्म की स्ट्रिप की तरह है जिसमें आपकी पूरी फिल्म रिकॉर्ड हो गई, उसका साउंड भी रिकॉर्ड हो गया, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 3% केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ब्रेन स्टिमुलेट करता है मेमोरी लाइक एक्सपीरियंसेस को पाने के लिए। तो एग्जैगरेशन किया गया था, ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब एक और चीज़ होती है फॉल्स मेमोरी, कई बार आपकी गलत मेमोरीज बन जाती हैं। क्यों? जैसे लॉफ्टस पाल्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कार एक्सीडेंट के बारे में बात की। तो उन्होंने एक फिल्म दिखाई जिसमें दो कारों का एक्सीडेंट हो गया, तो एक आदमी ने उसका वर्ड यूज़ किया द टू कार्स स्मैश्ड, बहुत ज़ोर से टक्कर हुई। दूसरे ने कहा हल्के से आके टकरा गई। तीसरे ने कहा बम्प हो गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ वो नहीं याद है, पर वो फॉल्स टेस्टिमोनी की वजह से आपकी एक गलत मेमोरी बन गई है और आप उस गलत मेमोरी को एक लॉजिक गैप से भरने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, अपना कोई गेस डाल रहे हो, अपना कोई लॉजिक डाल रहे हो कि हाँ आगे का हिस्सा टूटा था तो जोर का एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी स्मैश हो गई है। तो इस तरीके से आप उसमें अलग अलग चीज़ें डाल रहे हो उस लॉजिक गैप को भरने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं फॉल्स मेमोरी। और ये मुख्यतः सोर्स कन्फ्यूजन के कारण होता है कि शुरू में आपका जो सोर्स है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया है, और क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया है अब उसका क्या होगा कि वो आपको गलत चीज़ ध्यान रखवा देगा, तो उसको आपके दिमाग में एक गलत मेमोरी सेट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स मेमोरी। इसी की तरह से हम मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं या एक संरचना में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल या मेमोरी स्ट्रक्चर, जिसमें हर चीज़ के बेसिस पे आप उस चीज़ को रखने की कोशिश करते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम करने जा रहे हैं वो है स्मरण शक्ति के प्रकार या मेमोरी के टाइप्स। मेमोरी के टाइप्स 3 हो सकते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सेंसरी और शॉर्ट टर्म तो हमने देख ही लिया है क्या है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 तरीके की हो सकती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी वो है कि अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली भी गई है तो भी उसकी प्रोसीजरल मेमोरी पूरी है। मतलब अगर मैंने उसको ये टावर ऑफ हनोई का एक्सपेरिमेंट दिया है और मैंने ये कहा है कि ये सारी डिस्क ऐसी की ऐसी सी पे आनी चाहिए और एक भी बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी डिस्क छोटी डिस्क के ऊपर आए, तो ये कितनी चालों में हो सकता है। तो मैंने एक ऐसे आदमी को दिया जिसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसको इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने शुरू से समझा के ये गेम दिया और उसने ये कर लिया। अब 10 दिन बाद 20 दिन बाद मैं वापस उस व्यक्ति के सामने ये ले जाती हूँ, पर क्योंकि उसकी याददाश्त नहीं है, उसको पता नहीं है, उसको ध्यान नहीं है उसने पहले ये किया था, वो वापस ये गेम उतने ही स्टेप्स में कर देता है जितने स्टेप्स में पहले किया। तो वो क्यों कर पा रहा है? वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी प्रोसीजरल मेमोरी स्ट्रांग है।
प्रोसीजरल मेमोरी किसी भी चीज़ को करने के प्रोसीजर या स्किल से आती है और ये दिमाग में अनकॉन्शियस होती है। आप जान करके इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं पर ये आपके दिमाग में है। अगला है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो कि कॉन्शियस माइंड में होती है, जो कि आप सोचते हो कि मुझे इसके बारे में समझना है, पढ़ना है और इसलिए आपको पता होता है। तो ये जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है ये उन लोगों में नहीं पाई जाती है जिनकी याददाश्त खो चुकी है। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी वापस दो तरीके की हो सकती है, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी वो है जो बहुत बेसिक है और सबको पता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। जैसे कि मैं पूछूं आपका नाम क्या है तो आपको याद होगा, आपके पापा का नाम क्या है तो आपको याद होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपको पता है, तो ये क्या हो गई, सिमेंटिक मेमोरी। दूसरी तरफ होता है एपिसोडिक मेमोरी, जो एपिसोड से जुड़ी हुई है, किसी घटना से जुड़ी हुई है। तो घटना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उसका पूरा विवरण मेरे पास है। और क्योंकि उसका पूरा विवरण मेरे पास है, मुझे याद है कि ये घटना क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, तो इसको मैंने क्या कह दिया, एपिसोडिक मेमोरी। सबसे मजे की बात यहाँ पर ये है कि ये जो एपिसोडिक मेमोरी है ये धीरे धीरे सिमेंटिक मेमोरी में बदलती है और एपिसोडिक मेमोरी ख़त्म हो जाती है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो अपने पास इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण है। अब अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि बच्चे ने पहली क्लास में क ख ग घ पढ़ना सीखा। अब जब उसने क ख ग घ पढ़ना सीखा तब उसको ये पता था कि किस टीचर ने मुझे पढ़ाया, मेरे साथ के फ्रेंड्स कौन से थे, मैं किस स्कूल में जाता था, किस क्लास में बैठता था। जब वो पहली कक्षा में था तो उसको ये सारी चीज़ें पता थी। जब वो दसवीं कक्षा में पहुंच गया तो उसको क्या याद रहा, उसको सिर्फ ये याद रहा कि क ख ग घ मुझे आता है, पर उस समय टीचर कौन थे, मैं कौन सी क्लास में था, कौन से स्कूल में था, कहाँ बैठता था, कैसे सीखा था, वो कुछ भी याद नहीं है। तो वो सब कुछ जो चीज़ें याद थी उसको, वो उसकी एपिसोडिक मेमोरी में थी। पर अब वो एपिसोडिक मेमोरी में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिल्टर आउट हो गई, जो कि उसकी सिमेंटिक मेमोरी में चली गई, जो कि क ख ग घ को याद रखने का काम था, और बाकी सब ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से जो एपिसोडिक मेमोरी है वो सिमेंटिक मेमोरी में बदल जाती है और धीरे धीरे एपिसोडिक मेमोरी ख़त्म होती जाती है वक्त के साथ। अगला है कि मेमोरी को किस तरीके से नापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके एक मित्र मिल गए सड़क पे, आपको अपने दोस्त दूसरे दोस्त से उनका इंट्रोडक्शन करवाना है पर आपको नाम ही याद नहीं आ रहा, आपको याद है नाम पर आपकी जबान से फिसल रहा है। तो उसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमिना, कि आपको कोई चीज़ ध्यान होती है फिर भी आपको उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमिना। अब तीन तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं या मेमोरी को मेजर कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर अपन इस तरीके से रखें इसको। तो अब इसमें अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को 10 कार्ड दिखाए गए हैं, फिर वो 10 मिनट के लिए छुपा दिए गए और मुझे वापस दिखाए गए, तो मैं उसमें से, मुझे बोला गया कि लिखो, तो मैं उसमें से कितनों के नाम लिख पाऊँगी, तो वो क्या हो गया, रिकॉल, मतलब मुझे कितना याद रहा। अगला है रिकॉग्निशन। अगर मुझे ट्रक का फोटो दिखाया और मुझसे पूछा ये क्या व्हीकल है, तो मैं बोलूँगी ट्रक, क्योंकि मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरी कॉग्निटिव मेमोरी, समझने की मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो हो गया रिकॉग्निशन। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने वो चीज़ पहले याद करी हुई है कि ऐसी कोई भी चीज़ मुझे दिखे तो मुझे उसको ट्रक बोलना है। तो वो हो गया आपका रिकॉग्निशन। अगला होता है रीलर्निंग, मतलब एक चीज़ मैं कर चुकी हूँ पर मैं उसी चीज़ को बार 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 याद करती हूँ। जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले करते हैं, परीक्षा के एक दिन पहले करते हैं, कल परीक्षा है तो आज वापस वही बैठ के पूरा पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, रीलर्निंग हो गया, एक ही चीज़ को बार 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 समझना, बार 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 पढ़ना। इसी में हम सेविंग स्कोर की बात करते हैं, मतलब पिछली बार का पढ़ा हुआ मुझे कितना याद है उसको सेविंग स्कोर कहते हैं, तो सेविंग स्कोर हो गया। इसी तरीके से प्राइमिंग होता है और कंसोलिडेशन होता है। प्राइमिंग मतलब कि उसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं मेमोरी में जो आपको ध्यान है और वो आपने काम में ली। कंसोलिडेशन मतलब कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट बन गई हैं और वो निकल के आपके परमानेंट मेमोरी में चली गई हैं। और फाइनली इसमें ही कंसोलिडेशन में हम एक और चीज़ की बात करते हैं कि हिप्पोकैम्पस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि आपकी जो
शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके बीच में एक काइंड ऑफ कनेक्शन है, और जैसे ही हिप्पोकैम्पस डैमेज होगा आपके एंटेरोग्रेड एमनीजिया डेवलप हो जाएगा। ये हमने फॉरगेटिंग के चैप्टर में समझा था। एंटेरोग्रेड एमनीजिया क्या होता है? एंटेरोग्रेड एमनीजिया मतलब उस घटना के बाद का जो कुछ भी नया हुआ है वो आपको याद नहीं होगा। इसी तरीके से हम मेमोरी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या हम किस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो पहला तो है कि पूरा याद करने की जगह हम उसको टुकड़ों में याद करें, हम चंक्स में याद करें। दूसरा है कि अभी याद किया, एक घंटे का ब्रेक लिया, फिर याद किया, फिर एक घंटे का ब्रेक लिया, जिसको हम स्पेस लर्निंग कहते हैं। फिर है होल वर्सेस पार्ट, मतलब पूरा एक साथ पढ़ने की जगह उसके छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ना और समझना चाहिए। नेमोनिक्स मतलब पूरी चीज़ याद करने की जगह, जैसे मैंने हर चीज़ के फर्स्ट लेटर याद कर लिया, मार्स मरकरी वीनस अर्थ मार्स, तो इसके फर्स्ट लेटर याद कर लिए, तो वो एक तरीके का नेमोनिक हो गया। फिर आप कोई मेंटल पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई कहानी बना के याद कर सकते हैं, आप कोई स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं चीज़ों को मेमोराइज करने के और याद करने के। तो इसी के साथ हमारी मेमोरी वाली क्लास समाप्त होती है। हम आगे भी मनोविज्ञान की और कक्षाएं लेते रहेंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।